के साथ जुड़ जाता है, ये गैर मुस्लिम लिखता है। आपके महाराष्ट्र में खुदकुशियां हो रही हैं, लोग लिखते हैं कि इसका हल इस्लाम के पास है। ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते हैं, हम ही खुद नहीं जानते क्या है। देखिए मैं ये बात बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, मेरा इल्म भी कम है और उम्र भी मेरी कम है, लेकिन मैं बात अदब के साथ बहुत करना चाहता हूँ। ये दरस कुरान से, जुमा के खुतबे से, दरस हदीस से, तज़किरों से, वाज से दीन इस्लाम नहीं फैला है। इससे तो गर्मी आती है, इससे तो बेदारी आती है, इससे याद दहानी होती है, लेकिन फैलता नहीं है। इससे जिंदगी की गहमा गहमी में कोई मसला उठ के खड़ा होता है, आप बताइए कि दिस इज द अल्टरनेट, ये है उसका मुतबादिल, तब दुनिया कहती है हाँ। आज पूरी दुनिया कराह रही है कि इस्लाम का निज़ाम मईशत कहाँ है। कितने लोग हैं पूरी दुनिया में जो बता सकें कि इस्लाम इज द फाइनल एंड लास्ट अल्टरनेट? ये तो रहती दुनिया तक के मसाइल का हल करने वाला है ना। आज के इकोनॉमिक क्राइसिस का हल क्यों नहीं पेश करता? कहाँ है वो नौजवान जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं? कहाँ है वो नौजवान जो दुनिया के लिए काम करने वाले? आप दुनिया कमाइए, इस्लाम नहीं रोकता, और बल्कि ये भी कहता है कि इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि ज़कात वाजिब हो जाए, तुम देने वाला हाथ बनो, लेने वाला हाथ ना बनो, ये इस्लाम कहता है। लेकिन दुनिया के पीछे पड़ करके दीवाना ना हो, दुनिया तुम्हारे कदमों में हो, तुम्हारी नज़र आखिरत पर, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। लेकिन आप बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत दिन पूछेगा कि मैंने तुझे जवानी दी थी, मैंने तुझे सलाहियतें दी थी, मौके भी तुमको दिए थे, मेरा दीन रुस्वा हो रहा था, मेरे दीन के लिए तूने क्या किया? बाज़ रिवायतों में आता है कि आदमी दाएँ देखेगा, बाएँ देखेगा, खड्ड होगा। लेकिन कुछ बेसलाहियत और कम सलाहियत के नौजवान भी उस वक्त होंगे जिनकी ज़ुबान में अल्लाह ताला तासीर देगा, उनके दिलों में बांट डालेगा, वो अल्लाह ताला के दीन के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे होंगे। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदीना सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं हम उनको अपने रास्ते दिखाते हैं, उनके दिलों में बांटें डालते हैं। आप कभी किसी गैर मुस्लिम से कहीं भी किसी मजमे में कहीं भी किसी इनफरादी मुलाकात में कोई बात आप कर रहे हों, रास्ते मसदूद नज़र आते हैं, अल्लाह ताला दिल में बांट डालता है। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस को मैं खिताब कर रहा था एक मौके पर, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह बात आई कि आपने हजरत अलवदा के मौके पर खिताब फरमाया। 100,000 कुछ सहाबे कराम मौजूद थे, छाठे मारता हुआ एक समंदर था, जबल रहमा के पास आप ऊँटनी पर बैठे हुए थे और आप खिताब फरमा रहे थे, क़िबला आपके पीठ की तरफ था, अजीम शान खिताब फरमाया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका चरबा महसूस होता है। 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला, अगले महीने, एक महीने के बाद वो डेट आने वाली, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। एक नौजवान ने मुझसे ये पूछ लिया, आमतौर पर ज़ाकिर नाइक साहब की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें सवाल जवाब भी होता है, बहुत सारे सवाल आते हैं, कोशिश ये की जाती है कि एक मिनट में एक सवाल तो निपटा ही दिया जाए। एक नौजवान ने ये सवाल कर लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुना कैसे 124,000 या कुछ हज़ार लोगों ने? 100,000 का मजमा हो, आप जो उसके प्लस से उसको छोड़ दीजिए, और माइक का नज़्म ना रहा हो तो कैसे आवाज़ पहुँचेगी? अब मुझे जैसा मौलवी क्या जवाब देगा? अल्लाह ताला दिल में बांट डालता है फौरन कि जवाब क्या हो सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो जवाब दिया, आप हजरात भी उसमें जोड़ सकते हैं, उसकी तायद भी कर सकते हैं, उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मैंने जवाब यह दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह आता है कि आप एक जुमला 3 बार फरमाते थे, आपके खिताब और तकरीरों का ये उसलूब था। अक्सर आप एक बात जो कहते थे उसको 3 मरतबा रिपीट करते थे, 3 मरतबा। आप पूरी अहादीस की किताबों में देखेंगे भरा पड़ा है, कभी कभी 5 मरतबा रिपीट किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1 मरतबा कहते थे, करीब के लोग उसको दोहराते थे, उसके पीछे के लोग दोहराते थे, उसके पीछे के लोग दोहराते थे, आवाज पहुंच जाती थी। ये 90% उलमा ने इसको लिखा है। मैंने जब सर्च किया, मैं जब नेट पर गया सर्च किया, तो बड़ी खुशी यह हुई कि ये जो मेरा जवाब था इसको अक्सर लोग लिख चुके हैं। अल्लाह ताला दिल में बात आए नुक पर डालता है। जब आदमी ये कहे कि मैं हकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय तेरे नजर करम के, मैं तेरे दीन के लिए उठा हूँ, जबकि बहुत बासलाहित लोग तेरे उस पाले में हैं जो तेरे दुश्मनों का पाला है, तो अल्लाह ताला फिर हिम्मत भी देता है, कुव्वत भी देता है, और बंदों की रहनुमाई भी करता है। आज पूरी दुनिया में भूख आलम है, हिंदुस्तान में क्या कम है? क्या कुछ नहीं है हिंदुस्तान में? हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये है सवालिया निशान जिसके लिए हमें काम करना है। मैं बड़े इख्तिसार के साथ 2-4 पॉइंट आपको देता हूँ। पहला काम जो हमें करना है वो ये कि जब हम मुसलमान हैं तो मुसलमान बन जाएं। ये बाप मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे, परदादा मुसलमान थे, ये छोड़ दीजिए कहना। ये सर्टिफिकेट जो आपके बाप ने, आपके दादा ने ली है, वो उन्हीं के काम आने वाली है। आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली इस सर्टिफिकेट से, बाप दादा वाली। एक बहुत बड़े आलिम दीन ने ये लिखा है कि जब मैंने कुरान मजीद को पढ़ लिया, समझ लिया, और ये समझ लिया कि कुरान मजीद कितनी अजीम शान किताब है और मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, तो मैं कांप गया और मैंने ये कहा कि मैं आज जैसे मुसलमान हो रहा हूँ।
हम हैं तो मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुसलमान किसको कहते हैं और मुसलमान होने के तकाजे क्या हैं हमको नहीं मालूम। मुस्लिम किसी कम्युनिटी का नाम नहीं है, किसी खानदान का नाम नहीं है, किसी जमात का नाम नहीं है। मुस्लिम तो हर उस शख्स का नाम है, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो एशिया का हो, चाहे वो अमरीका का हो, चाहे अफ्रीका का हो, कोई भी जबान बोलता हो, मुस्लिम तो उस शख्स का की सिफत है जो ये कहे कि बारे इलाहा आज से मेरी जिंदगी में वो होगा जो तू चाहता है और तेरे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। घर छोड़ दूंगा, बीवी बच्चे छोड़ दूंगा, तिजारत छोड़ दूंगा, माशरा और समाज छोड़ दूंगा, लेकिन तेरी बात 19 हो जाए या नहीं चलेगी और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हम ना माने, ये हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता। फिर उसके लिए वो लड़ जाए, उसके लिए मुसीबतें बर्दाश्त करे, उसके लिए संघर्ष करे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लज़ी कुंतुम तुअदून। मुझ पर रब होने और ईमान लाने के तकाजे जो पूरे करते हैं, मैं दुनिया ही में फरिश्तों से उनकी मदद करता हूँ। और ईमान लाने के तकाजे जो पूरे करते हैं, मैं दुनिया ही में फरिश्तों से उनकी मदद करता हूँ। काश कि हम लोग वो हो जाएं कि हमारे दाएं बाएं फरिश्ते हों और वो कहें कि सब्र न करो, ये अजीम काम अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, हम यहाँ भी तुम्हारे दोस्त हैं और मरने के बाद वाली जो जन्नत होगी उसमें भी हम तुम्हारे कारसाज होंगे। ये चीज़ बहुत मामूली चीज़ है दोस्तों, इसको कम से कम अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। रात की तन्हाइयों में उठ करके देखिए कि हम मुसलमान हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है और हम क्यों मुसलमान। अल्लाह पर ईमान, उसके रसूल पर ईमान और मोहब्बत की बात जो आपने कही, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ उसमें, अल्लाह से मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस दर्जा तब तक ना हो जाए कि सारी मोहब्बतों पर गालिब ना हो जाए, ईमान ही नहीं हो सकता। ये हम सारे उलमा से सुनते हैं और ख़ुद भी बयान करते हैं इसको। वजह क्या है इसके पीछे, हिकमत क्या है इसके पीछे, कोई चीज़ तो बेहिकमत है नहीं किताब सुन्नत में, हिकमत क्या है इसके पीछे। हिकमत यह है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से इस दर्जा नहीं होगी तो उनके लिए तुम कुर्बानी नहीं दे सकते। बीवी की मोहब्बत आगे आ जाएगी तो बीवी की बात मानोगे, अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानोगे। बच्चों की मोहब्बत अगर ऊपर आ गई तो बच्चों की बात मानोगे, तावील करोगे, अल्लाह उसके रसूल की बात को डिनाई कर जाओ, किनारे कर जाओ। कसम खुदा की, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही ववालिदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता यहाँ तक कि उसकी औलाद, उसके वालदैन सारे जहान से मैं ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। हजरत उमर से ज़्यादा ईमान है क्या हमारे पास? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उनके हाथ में था, चले जा रहे थे, बुखारी की रवायत है, हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, दुनिया में सारी चीज़ ज़्यादा आप मेरे नज़दीक महबूब हैं सिवाय मेरी जान के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और कहा, उमर तुम्हारा ईमान तो मुकम्मल नहीं हुआ अभी, तुम्हारे ईमान में खलल है। हज़रत उमर कांप गए, तुम्हारा ईमान तो मुकम्मल नहीं हुआ अभी, तुम्हारे ईमान में खलल है। हज़रत उमर कांप गए, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, ईमान कैसे मुकम्मल होगा? कहा, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मुझको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ ना बना लो। हज़रत उमर ने एक हफ़्ता 10 दिन का टाइम थोड़ी मांगा था, एक लम्हे के लिए गौर किया, उसके बाद कहा, अल्लाह के रसूल, अब आप मेरे दिल के अंदर मेरी अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर जुमला है, अल्लान या उमर, उमर तुम्हारा ईमान अब जा करके मुकम्मल हुआ। सलाहियत देने का मकसद मतलब होगा दीन इस्लाम के लिए तो इधर उधर हो जाएंगे, यहाँ 40,000 रुपया मिल रहा है, यहाँ 20,000 रुपया मिल रहा है, बीवी कहेगी नहीं नहीं इसी को लेना है। हम सलाहियतें नहीं दे सकते, हम वक्त नहीं दे सकते, हम माल नहीं दे सकते। और जान की बात तो बहुत ही अजीब व गरीब है, वो तो आखिरी पीरियड है, आखिरी स्टेज है, जान भी अल्लाह ताला के रास्ते में दे दे, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। एक सहाबी आते हैं गज़वे बद्र में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़े दुरुस्त कर रहे हैं, आपके हाथ में एक रिवायत में तो आता है कि तीर था, दूसरी रिवायत में आता है कि एक छेहनी थी, टेहनी, आप कहते थे इस्तव, सफ़े सीधी कर लो और कोई आदमी आगे ना निकले, और अगर तुम सफ़े ठीक से नहीं करोगे तो दुश्मन तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, कमज़ोरी वाक़ हो जाएगी। एक सहाबी थे सुआद बिन गुज़िया एक सहाबी थे, वो बार बार बाहर निकल जाते थे, आप कहते थे कि इस सऊ वसुद्दुल खलल, बीच का आप देखेंगे कि यही अल्फाज हरमैन शरीफैन में इमाम भी दोहराता है। बाज़ लोगों ने नमाज और मैदान जिहाद की सिमिलैरिटीज़ पर किताबें लिख दी, वहाँ इमाम है, रुकू करता है, ऑर्डर देता है रुकू में जाइए, सजदा करता है रुकू में, सजदे में जाइए, अगर नहीं जान जाते तो जान का ख़तरा है। ऐसे ही जिहाद में भी हुक्म हो गया, आगे बढ़िए, पीछे हटने का सवाल नहीं है, खैर वो अलग मौजू है। लेकिन सुआद बिन गुज़िया आगे बढ़ जाते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस तरह या सुआद, सुआद ज़रा ठीक से बढ़ो, ठीक से रहो, फिर आपने कहा कि ठीक हो ये, फिर आगे बढ़ गए, आप पहुँचे, आपने एक ठोकर लगा दिया इससे टहनी से, ठीक से, ठीक से सब में रहिए, सुआद बार बार निकल जाते, पेट में जैसे ही लगा, हजरत सुआद चीखे, उन्होंने कहा, औजअतनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे तकलीफ पहुंचा दी।
बहुत तकलीफ पहुंची मुझको। तो कहा क्या होगा आप? कहा मुझे बदला चाहिए। कुर्बान जाइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक पर, एक एक हरकत व अमल पर। कहाँ जंग छिड़ी हुई है और कहाँ बदले का मामला पेश कर दिया साहबी ने। तो आपने कहा ये टहनी लो और बदला ले लो। पता नहीं आज क्या हो, आज तो जंग हो रही है, कुफ्र इस्लाम की पहली जंग, लो टहनी बदला। सुआद ने कहा अल्लाह के रसूल, आप देख रहे हैं कि मैं तहबंद पहने हुए हूँ, चादर मेरे ऊपर नहीं है, आपके तो जिसमें अतहर पर चादर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर छोड़ दी, वो नीचे गिर गई। कहा कि सुआद बदला ले लो आज। रावी लिखता है हजरत सुआद दौड़े और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए और आपका शिकम मुबारक और आपकी पुश्त मुबारक चुभने लगे। आपने कहा सुआद ये क्या किया तुमने, तुमको तो बदला लेना था। कहा अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह ताला के सच्चे और पक्के नबी हैं, आपने फरमा दिया है कि आज यौमुल फुरकान है, आर पार की लड़ाई का दिन है। और आपने ये कहा, आपने फरमा दिया है कि आज यौमुल फुरकान है, आर पार की लड़ाई का दिन है। और आपने ये कहा है कि आज जो कामयाब हो जाए, शहीद हो जाए, जन्नत में उसका मकाम बुलंद है। मेरी ये तमन्ना है कि मैं आज काम में आ जाऊँ, लेकिन ऐ नबी रहमत, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला से मैं इस हाल में मिलूँ कि सबसे आखिरी हस्ती जिससे मेरा जिस्म लगा हुआ हो आपकी ज़ाती ग्रामी। ये मोहब्बत सिर्फ जाती और ज़ाहिरी नहीं थी, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो जान कुर्बान देने के लिए तैयार थे। तो ये बात कब होगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। है क्या ये? हम किसी से नहीं डरते, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं। हम किसी की मोहब्बत अपने अंदर नहीं रखते, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत रखते हैं। और ये मोहब्बत इतनी बड़ी मकदार में यहाँ मौजूद है कि किसी चीज़ की फिर मोहब्बत के आने की गुंजाइश नहीं है। और अगर है भी, मकदार में यहाँ मौजूद है कि किसी चीज़ की फिर मोहब्बत के आने की गुंजाइश नहीं है। और अगर है भी, तो उन्हीं मोहब्बतों की जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के ताबे हों। बीवी से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, असबाब से मोहब्बत, तजारत से मोहब्बत हम उसी हद तक करेंगे जिसकी इजाज़त हमें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत करने के लिए देती है। और जब उसके तहत आ जाएं तो बीवी से मोहब्बत भी इबादत हो जाती है। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बीवी के मुंह में लुकमा तुम डालते हो अगर उसी जज्बे के तहत, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के जज्बे के तहत, तो ये भी सदका है। और अपने बच्चों के लिए तुम रोजी रोटी के लिए अगर दौड़ धूप करते हो उसी जज्बे के तहत, तो ये भी तुम्हारे लिए जिहाद है। तलब कस्बिल हलाली फरीदतुन बादल फरीदा। दूसरी रवायत में आता है तलब कस्बिल हलाली जिहादुन, रोजी रोटी सही कमाना हलाल ये जिहाद है। पहली चीज़ तो ये है दोस्तों और साथियों, जिस पर हमें सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो मुझे करनी है वो ये कि इल्मी तैयारी की ज़रूरत है। हम वक्त के लिहाज से तैयार हों, सहाबे किराम इल्म के लिहाज से, सकाफत के लिहाज से और स्टेटस के लिहाज से अपने दुश्मन के सामने बिल्कुल खड़े थे। ये नहीं था कि उनकी सतह नीची थी। जब कोई मुशरिकीन का आता था कोई गुफ्तगू करने के लिए, तो कहते थे उनका खतीब है तो हमारा खतीब यहाँ मौजूद, उनका शायर मौजूद है तो हमारा शायर ये मौजूद है, उनका कोई और गुफ्तगू करने वाला मौजूद है तो हमारा ये मौजूद है। मक्का में जब सुलह हुदैबिया के लिए सुहेल निकले, तो जैसे ही वो सामने आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला आसान हो गया और चलो सुहेल आ गए हैं तो अली तुम आओ। आपने एक एक जगह पर नेक टू नेक कहा है ये हमारे अफराद मौजूद हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तैयार भी किया था इल्मी हैसियत, इल्मी तैयारी के लिहाज से, और उनको अप्रिशिएट भी किया था। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि कुरान मजीद पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें, जैसा कि फाखरी साहब ने फरमाया कि किसी का भी तर्जुमा पढ़ें। कुरान मजीद तो सबका है ना मेरे भाई, मस्जिदें सबकी हैं, कुरान सबका है, अल्लाह सबका है, रसूल उसके सबके हैं, दीन और शरीयत सबकी है। और याद रखिए इत्तेहाद फ़र्ज है और इंतशार हराम है। सुन्नतों को छोड़ दीजिए चलेगा, नवाफिल छोड़ दीजिए चलेगा, फ़र्ज आप छोड़ेंगे तो कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे। इन उम्मत को किसी भी हाल में इंतशार में नहीं जाना चाहिए। इल्मी तैयारी हमारी क्या है उसके लिए हम तमाम को तैयार रहना चाहिए। आज के इस दौर में अच्छी उर्दू हमें आनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेजेस में अच्छी गुफ्तगू हम कर सकें, हम गुफ्तगू दलाइल की बुनियाद पर करें। कुरान मजीद जितना भी है सब साइंटिफिक है, जैसा हमारे रहमानी साहब फरमा रहे थे कि सब साइंटिफिक है, इस पर किताबें मौजूद हैं, बड़े बड़े लोगों ने इस पर लिखा है। और एक वेबसाइट तो इंग्लिश में है, इस वक्त बड़ा काम कर रहा है, असल बेसिकली वो अरबिक में है और इंग्लिश में उसका वेबसाइट भी मौजूद है, आप क्लिक करेंगे तो पूरा इंग्लिश हो जाएगा। वो एजाज है, एजाज www.eajaz.org। ये मैं बहुत सारे नौजवानों को बता चुका हूँ एक एक आयत पर, बल्कि मैं ये ऊपर अभी जब देख रहा था नुमाइश तो वहाँ सारी चीज़ें साइंटिफिक उन्होंने बनाई है, तो मैं बताने वाला था उनको कि आप इस वेबसाइट को भी जाइए और बहुत सारी चीज़ें आपको हज़ारों चीज़ें मिलेंगी। पूरी दुनिया लगी हुई है अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करने के लिए, लेकिन हम तो हिंदुस्तान में हैं ना,
अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा अमेरिका में, यूरोप में, फला जगह तुमने दीन को नहीं फैला दिया, लेकिन अल्लाह ताला ये पूछेगा कि इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में तुम मेरे दीन के लिए जो कुछ कर रहे थे उसको किया कि नहीं। सिर्फ एक मिसाल आप देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते थे, एक डेलीगेशन आया, इब्रानी बोलने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्रानी नहीं जानते थे। आपको ये खूक उठी, आपने कहा कि काश कोई होता जो इब्रानी जबान सीखता, मेरी बात उनको बताता, उनकी बात मुझको बताता। हज़रत ज़ैद खड़े हो गए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आप इनको रोक लीजिए, हम सब मेहमान उनकी मेज़बानी करेंगे, आप इनको रोक लीजिए, मैं सीखता हूँ। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में लिखा है कि 15 दिन के अंदर, ये बात और जगहों पर मिलती है, 15 दिन के अंदर उन्होंने फर्राटे के साथ सीख ली, इतनी आसानी से कि नबी सल्लम की बात उधर पेश करते थे, उनकी बात नबी अकरम सल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आपने कहा सिरियानी भी सीख लो। तो बाज़ रिवायतों में आता है कि उन्होंने इस ज़बान को भी सीखा। आज कितनी रिक्वायरमेंट्स मुंह खोले खड़ी हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। इस्लाम के नौजवान कहाँ हैं? मुसलमानों के नौजवान तो हर जगह नजर आते हैं, लेकिन इस्लाम के नौजवान कहाँ हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहदाई कहाँ हैं जो इस्लाम की पेशानी से गर्द साफ कर सकें? अयोध्या के डॉक्टर गोपाल दास से, मेरे ख्याल से पिछली मरतबा में आया था तो मैंने ये बात यहाँ ईद मिलन के प्रोग्राम में कही थी कि जब गोपाल दास से ये सारी बातें हुई अयोध्या के अंदर, तो उन्होंने कहा भाई अगर इस्लाम यही है तो हमें क्या शिकायत है आपसे, मुसलमानों से? मुसलमान जो करते हैं देखने में आता है वो तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन आपने जो इस्लाम बताया है इससे तो हमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं हो सकता। चलते चलते उन्होंने कहा कि एक लफ्ज़ है जिसको आप लोग ना कहें तो बहुत अच्छा है, काफिर जब आप लोग कहते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं, काफिर ना कहा कीजिए हमको। कहा गया काफिर माने क्या समझते हैं आप? कहा हम ये समझते हैं कि मुसलमान पहले पावर में था, अब फिर अगर पावर में आ गया तो हमें पकड़ के ज़बह कर देगा, कत्ल योग्य, जो कत्ल के लायक। काफिर के माने जिसे मार डाला जाए। अरे आप जैसा पढ़ा लिखा डॉक्टर आदमी पीएचडी वो ऐसी बात करेगा? अंतिम ईशदूत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवतरित हुए मक्का में, ईश्वरीय उपदेशों को उन्होंने पेश किया समक्ष मानव जात के सामने, जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया उनका नाम पड़ा मोमिन, मुस्लिम, मान लेने वाला। जिन्होंने आपकी बात को नहीं माना, नकार दिया, उनका नाम पड़ा काफिर, ना मानने वाला। लेकिन संबंध तो प्रॉफिट ने दोनों से रखा। अरे ये बात आज तक मेरे दिमाग में घुसी हुई है बात। कितने लोग हिंदुस्तान के अंदर जो ज़ाफ़रानी तंजीम और तहरीक के लिए लिखते हैं, जहर घोलते हैं, उनसे मुलाकातें करके बातें जब की गई तो उनके जहर में कमी आ गई। कितने लोग हैं? ये गिनती के चंद लोग हैं हाथ पर जो ये काम कर रहे हैं। ये जिन लोग डाइस में बैठे हुए हैं, जिनका तारुफ कराया गया है, ऐसे कितने लोग समाज में मौजूद हैं जो दीन इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं? हम इल्मी तैयारी अपने अंदर पैदा करें, और सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, तजारत के लिए नहीं, उसके लिए भी, लेकिन अल्लाह ताला का कलमा बुलंद हो ये हमारी नीयत हो और उसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हालात हमारे बेहतर होंगे। और एक और बात जो बहुत अहम है वो ये कि हमारे कहने में और करने में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, हमारा अख़लाक बेहतर हो। मैं तो ये बात बार बार कहता रहता हूँ, मेरे पास अब वक्त बिल्कुल नहीं है, मुझे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहिए। ये तो हमारे सलमान साहब ने कह दिया कि भाई थोड़ा सा और वक्त लेंगे, लेकिन आप लोगों के सब्र का ये इम्तिहान है कि कितने प्यार और मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं देर से गुफ्तगू। मैं बिल्कुल अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है, किरदार है, उसका कोई बदल नहीं है, और आप दिल फाड़ करके उसमें घुस जाते थे, लोगों के काम आने वाले। आप भी अगर बेलौस इतनी ज़िंदगी गुजरी है, शायद कोई आप बेलौस खिदमत किसी की आप की हो तो उसका नतीजा आपको नज़र आया होगा। रहमानी साहब ने तो जगह जगह देखा होगा, फाखरी साहब ने देखा होगा, आप भी कीजिए तो आपको पता चलेगा। बेलौस खिदमत, इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई बदल नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था और दीन कैसे फैला और सहाबा का किरदार कैसा था? रिवायतों में बात आती है, मैं बहुत सारी बातें आपसे नहीं कर सकता, सहाबा की और भी ज़िंदगियाँ हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से एक बुढ़िया इतनी ज़्यादा दिल गिरफ्तार हुई कि उसने कहा बाप दादा का मज़हब छोड़ देंगे, गठरी बांधो, निकल जाओ इस बस्ती से, जहाँ बाप बाप में लड़ाई, बाप बेटे में लड़ाई है और भाई भाई में लड़ाई है और घर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन बुढ़िया वो गठरी तो उठा नहीं सकती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा माँ कोई ज़रूरत है? तो उसने कहा बेटे ये गठरी उठती नहीं है। तो आपने उसके सर पर उठा लिया। आप बुखारी शरीफ की दूसरी नंबर की हदीस, नंबर एक इनमल आमालु बिन्नियात, दूसरे नंबर की यही हदीस जिसमें यह फरमाया गया है कि आप यतीमों की खबरगिरी करते हैं, बेवाओं का सहारा बनते हैं, वान तहमिलुल कल्ला, आप लोगों का बोझ उठा करके पहुँचा देते हैं। ये शेरवानी और टोपी पर दूसरों का बोझ कैसे उठाया जा सकता है? हम तो इस लायक ही नहीं रहे। क्या कुछ बना रखा है हमने, अपना किरदार, अपना सब कुछ। वो बुढ़िया रास्ते भर नसीहत करती रही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक लड़का मोहम्मद पैदा हो गया है,
बहुत इंतशार फैला रहा है, उसकी बात मत मानना, उसकी बात ना मानना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल तहम्मुल से आगे बढ़ते गए, वो मकाम आ गया, बुढ़िया ने कहा यहाँ रख दो बेटे।